स्टार्ट करते हैं। चलो साइलेंस प्लीज, बात मत करो। स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। देखो क्या स्टडी करने वाले हैं हम, कि सपोज हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम वन एंड मीडियम टू। मीडियम के बीच में ये इंटरफेस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई वॉल है या फिर कोई सॉलिड बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये समझो कि दो मीडियम्स हैं और दो मीडियम चेंज हो गए इस ब्लैक लाइट के बाद। ठीक, तो यहाँ मीडियम वन के पार्टिकल्स हैं, यहाँ मीडियम टू के पार्टिकल्स हैं। मीडियम वन मीडियम टू से होता क्या है? मीडियम वन मीडियम टू का मतलब, जैसे मान लो एक मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है और दूसरे मीडियम की डेंसिटी कम है, यानी कि मीडियम हम क्या बोलेंगे कि दोनों मीडियम एक जैसे नहीं है, मीडियम्स डिफरेंट हैं। तो मान लो दो डिफरेंट मीडियम्स हैं और सपोज मीडियम वन में वेलोसिटी ऑफ साउंड वी वन है, तो मीडियम टू में वेलोसिटी ऑफ साउंड वी टू है। तो वेलोसिटी और मीडियम का क्या लेना देना है? अगर मीडियम की डेंसिटी रो है, वेलोसिटी वी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम में वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उसमें वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। हम रिलेशन किया था वेलोसिटी का और मीडियम का डेंसिटी, यहां तक क्लियर है? होगा क्या अगर इसको हम एनालाइज करें, कि मान लो एक वेव आ रही है, ये साउंड वेव है ऑब्वियसली, और जो साउंड वेव आ रही है सपोज वो इंसिडेंट कर रही है हम इस इंटरफेस पे वाई ऑफ आई। वाई ऑफ आई का मतलब जब वो मीडियम वन में ट्रेवल करती है तो उस वेव का हमने नाम रख दिया, उस साउंड वेव को हमने क्या बोल दिया, इंसिडेंट वेव। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर, इंसिडेंट कर रहे हैं इसमें से। देखो जब साउंड ट्रेवल करती है तो बेसिकली इट क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस, पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्बेंसेज आगे 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 ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टर्बेंसेज मीडियम टू में भी ट्रेवल करेंगी, कुछ मीडियम वन में भी है, कुछ मीडियम टू में ट्रेवल करेंगी। तो होगा क्या इसके अंदर, कि इसमें से कुछ डिस्टरबेंस आगे चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, दिस वाज इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय वाई ऑफ टी, क्योंकि इसकी जो वाई की डिस्प्लेसमेंट है वो अब पुराने वाई वाली थोड़ी ना रही, अब तो नए वाई वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि पहले पार्टिकल की डिस्टर्बेंस कुछ और थी मीडियम वन में, मीडियम टू में पार्टिकल की डिस्टर्बेंस मीडियम वन की तरह नहीं होगी, डिफर करेगी थोड़ी सी। तो लेट्स से वो कैसे डिफर कर रही है, बाय वाई ऑफ टी। ठीक, और कुछ इसमें से डिस्टर्बेंसेज हैं जो क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, जिसको बोलते हैं दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड। तो कुछ डिस्टर्बेंसेज क्रॉस कर जाएंगी, कुछ डिस्टर्बेंसेस वापस आ जाए, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और जो इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट वेव है, लेट से इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ए। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज ए, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज कैपिटल ए के पैर में टी, एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज कैपिटल ए के पैर में आर। क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
मीडियम वन है, डिस्टरबेंस इन मीडियम वन, डिस्टरबेंस इज ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वाई ऑफ आई एंड वाई ऑफ आर. डिस्टर्बेंस है वो नहीं रहेगी चौथी. साउंड की डिस्टर्बेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वाई आई एंड वाई आर, क्योंकि कुछ भी ना रिफ्लेक्ट, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो जाती है, जाने और आने वाली वेव आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगी ना. तो क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, या तो वो वाई आई के हिसाब से मूव करेगा या फिर वो वाई आर के हिसाब से मूव करेगा, लेकिन ना अकेला वाई आई ना अकेला वाई आर, कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आई एंड वाई आर. ठीक हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट देखते हैं, जो a ऑफ t की वैल्यू है, कैपिटल a t की ये जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल a r इनटू कैपिटल a, एंड जो a r की जो वैल्यू है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, दैट इज स्मॉल a t इनटू कैपिटल a. मैंने ये एज्यूम करवाया कि जो एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का वो डिफरेंट है, लेकिन वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है उसकी वैल्यू निकालने की हम अब जो हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे. तो क्या एग्जैक्टली उसकी वैल्यू होगी किसकी, अगर एक्चुअल एम्पलीट्यूड ए था और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड ए टी और ए आर है, तो ए टी ए आर कैपिटल ए के साथ कैसे रिलेटेड है, ढूंढे इस चीज. तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए टी इज ए आर इंटू ए, कैपिटल ए आर ए टी इंटू ए, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर सॉरी, यहाँ ए आर है तो यहाँ ए आर ही होगा और यहाँ ए टी है तो यहाँ पर ए, उल्टा लिख दिया टी के साथ टी देखो ना आर के साथ आर रखो. ठीक है ना यहाँ तक. वेयर वेयर ए टी एंड ए आर, छोटा ए टी एंड छोटा ए आर, हमें तो बड़ा ए टी बड़ा ए आर निकालना है ना, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन फॉर पार्टिकल्स, एक्स का मतलब ट्रांसमिशन. तो ये कुछ दो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड और जो ट्रांसमिटेड वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दो कोफिशियंट्स पे डिपेंड करेगा. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोफिशियंट बीच में कैसे आ गए, इनकी वैल्यू कहां से आई, मैं इनकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा और बता देता हूं कि इनकी जो वैल्यू है वो पार्टिकल की जो साउंड की स्पीड्स पे डिपेंड करेगी. अभी देखते हैं मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू कोफिशियंट. निकालने जा रहे हैं इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज. देखें तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था कि ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, इसमें मैं के वन को क्या लिख सकता हूं, के क्या होता है ओमेगा अपॉन वेलोसिटी, याद है के वैसे क्या होता है टू पाई बाय लैम्डा, और टू पाई बाय लैम्डा की जगह इसको ओमेगा अपॉन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. ठीक, तो याद रखना एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी एक वेव ट्रेवल करेगी फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू या फिर मीडियम टू टू मीडियम वन, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती.
उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा फैक्टर कभी चेंज नहीं होता, जब साउंड या कोई लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, आपने क्या लिखना है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू न्यू का मतलब न्यू कभी चेंज नहीं होगा, तो ओमेगा की वैल्यू दोनों केस में क्या रहेगी, सेम। तो लेकिन यहाँ पर जो के टू आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डिवाइडेड बाई वी टू, ओमेगा शुड बी सेम इन बोथ दी केसेस। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, मान लो ये जो इंटरफेस है मीडियम वन और मीडियम टू का, ये इंटरफेस ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं ये जो इंटरफेस है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओरिजिन है, कोई भी एक पार्टिकल ले लेंगे जो ओरिजिन के ऊपर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वही इंटरफेस है मेरा, अगर मैं वाई ऑफ आई की वैल्यू लिखूं, वाई आई का मतलब इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के वन इंटू एक्स। इस मीडियम में जब भी एक साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। उसी तरीके से अगर मैं वाई ऑफ टी की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखेंगे, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, के टू एक्स। या फिर अगर मैं वाई ऑफ आर की वैल्यू लिखूं तो ए ऑफ आर साइन ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, ये चीज क्लियर है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। तो मैंने बताया था ना कि ये वेव जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये जा रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर वन है, ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री है, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है। ठीक, यहां तक समझ आ रहे हैं, यहां तक कुछ भी नहीं किया, वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आगे अब मुझे ये नहीं मालूम, मेरे को इस पूरे टॉपिक से एक चीज पता लगेगी, वो क्या, देखो हमने एक शॉर्टकट याद किया हुआ है कि अगर वेव जा रही है और एक फ्री जो एक फिक्स्ड एंड से अगर वो टकरा के वापस आती है तो क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम ऐसे करते हैं, एक शॉर्टकट है। मैं आपको आज की डेट में जब ये टॉपिक एंड होगा आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा कि क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट क्यों होता है और ट्रफ क्रेस्ट में कन्वर्ट क्यों होते और कब होता है और कब नहीं होता, इसको डिस्कस करेंगे। तो मान लो अभी के लिए मेरे को कुछ नहीं मालूम कि फेज चेंज हुआ या फेज चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं मालूम। मान लो मैंने जाने की कोई आने की क्वेश्चन लिख दी और जाने की क्वेश्चन लिख दी। अब देखो क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैंने पोजीशन क्या लिया, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई आई की क्वेश्चन क्या बन जाएगी, वाई आई की क्वेश्चन सिंपली बन जाएगी ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली वाई ऑफ आर की क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ए ऑफ आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और ऐसे ही वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए टी साइन ऑफ। ये किस पार्टिकल की बात हो रही है, जो कहां पर है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब देखो ऐसा हो सकता है, मान लो आप मीडियम वन से किसी इसी पार्टिकल को देख रहे हो, मीडियम वन से, और मीडियम वन वाले ये देख रहे हैं कि एक वेव जा रही है एक वेव आ रही है, कॉम्बिनेशन से ये रेड कलर का पार्टिकल कहीं मूव करता है, कॉम्बिनेशन से, क्योंकि जा भी रही है और आ भी रही है, ठीक है ना। और मीडियम टू से भी कई लोग देख रहे हैं कि ये पार्टिकल कहां मूव करेगा, जहां भी ये मूव करेगा, मीडियम वन और मीडियम टू के लोगों को ये पार्टिकल की वाई की वैल्यू तो सेम ही दिखेगी ना। अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो चाहे मीडियम वन से देखें चाहे मीडियम टू से देखें, पार्टिकल अगर वाई ऊपर जा रहा है तो वाई की वैल्यू दोनों के केस में सेम ही होगी, ठीक। ये पॉइंट समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो भी पार्टिकल है उसके लिए इक्वेशन बन रही है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि इसमें मैं ऐसा करता हूँ, y ऑफ i लेफ्ट वालों को क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ y i, मैंने बताया सुपरपोजिशन, जो लेफ्ट वाला मीडियम है उनमें दो वेव्स है ना, दो वेव्स का इम्पैक्ट क्या होगा एक पार्टिकल पे, y i प्लस y ऑफ r। राइट वालों के हिसाब से क्या होना चाहिए, y ऑफ t। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, लेट से इक्वेशन नंबर, मैं काम करता हूँ yi की वैल्यू yr की वैल्यू yt की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं। तीनों वैल्यूज है मेरे पास, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इन द एंड क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू क्या, ए ऑफ आर प्लस ए ऑफ, सिंपल जो एम्पलीट्यूड है, जो टोटल एम्पलीट्यूड था वेव का, यानी कि वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, कुछ रिफ्लेक्शन टोटल किया, ए प्लस ए आर, ओके ओके, ए प्लस कितना आ रहा है, ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू, वाई आई की वैल्यू ए थी और आर की वैल्यू ए आर थी, ठीक है, ए आर थी और ए इज इक्वल टू टी, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, वाई ऑफ आई प्लस वाई ऑफ आर इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, ये लिखा था ना, जो भी एक पार्टिकल जो मीडियम टू से ट्रांसमिटेड वेव है और मीडियम वन से क्या वेव है, आई और आर है, इक्वेशन थी, इसको एक काम करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना, वैसे तो ये इसको ना पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वैसे तो y के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, t भी वेरिएबल है, पर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू x, और जब मैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू x बोलूंगा तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी उसके लिए कॉन्स्टेंट, सिर्फ x एक वेरिएबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूं y ऑफ i की, y ऑफ i की, y ऑफ i की वैल्यू क्या आएगी, y ऑफ i की वैल्यू d by dx ऑफ, अभी हमने निकाली थी a into sin of, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, के वन एक्स, ऐसा करो आप एक्स को जीरो पुट करने दो, क्योंकि आप एक्स को जीरो रहने दो, बिकॉज हम उस पार्टिकल के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पर एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो सिंपली छोटी इक्वेशन पुट करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए ऑफ आर इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, एक पार्टिकल है एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपने इस पे क्या दिया, वाई ऑफ आई दिया, वाई ऑफ आर टकरा के चला गया, तो ये पार्टिकल मूव किया, या ऐसे कह लो इसके ऊपर वाई ऑफ आई आया, तो ये मूव किया, फिर इसने जनरेट किया वाई ऑफ आर, इसकी फिर से डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, ठीक हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आई एंड वाई आर, चलो ऐसे करो आप मीडियम वन में हो, ये इंटरफेस, ठीक है, एक वेव गई साउंड की, आप डिस्टर्ब हुए, ठीक, टकरा के वेव वापस आई, अब फिर से डिस्टर्ब हुए, वेव आती जा रही है, ट्रांस इंसिडेंट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, अब आप दोनों के कॉम्बिनेशन से मूव करो, कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आई एंड वाई, अब सपोज करो मैं आपको आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं कहां पर मीडियम टू में हूं, मीडियम टू में वाई टी चला गया ना, ट्रांसमिटेड हो गया, एक काम करते हैं हम इस पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे वाई आई भी है, बाउंड्री पे वाई आर भी है और बाउंड्री पे वाई टी भी है, एक्स इज इक्वल टू जीरो का पार्टिकल है, तो मैं एज अ पार्टिकल जो इंटरफेस पे हूं, वाई आई चाहता है कि मैं मूव करूं, वाई आर चाहता है कि मैं फिर से मूव करूं, वाई टी चाहता है मैं फिर से मूव करूं, मतलब तीनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर इक्वेशन लग रही है, एक पार्टिकल के ऊपर और वो पार्टिकल जो एकदम बाउंड्री पे, तो मैं कैसे मूव करूंगा, मैं आपके हिसाब से कैसे मूव करने वाला हूं वाई आई प्लस वाई आर, और इस वेव के हिसाब से कैसे मूव करने वाला हूं y ऑफ t, y ऑफ t, अब दो अलग अलग मीडियम को इंडिपेंडेंट रखा गया है, अब होगा क्या कि पार्टिकल ऊपर मूव कर रहे, आप कहते हो कि ये पार्टिकल क्यों मूव किया, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ y i एंड y r, मैं एज अ मीडियम टू बोलता हूं ये इसलिए मूव किया बिकॉज y ऑफ t ने इसको मूव करवाया, लेकिन वो मूव जो कर रहा है
वो उसकी मूवमेंट तो एक ही है ना, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो भी वाइट टी होगा ट्रांसमिटेड वेव के हिसाब से वो जो वाइब्रेट किया और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के हिसाब से जो वाइब्रेट किया उसकी वाई की वैल्यू शुड बी सेम। मैंने कोई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया इसमें, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाया लेकिन मीडियम वन में लगाया, मीडियम टू में तो सुपर पोजिशन लग नहीं सकता बिकॉज उसमें वेव ही एक जनरेट हो रही है वाई ऑफ टी। तो मैं ये बोल रहा हूँ पार्टिकल एक है जिसपे आपका कॉम्बिनेशन भी है जिसपे मेरा भी है, आप चाहते हो पार्टिकल ऊपर जाए, मैं चाहता हूं कि पार्टिकल भी ऊपर जाए या जैसे भी जाए, अल्टीमेटली वाई की वैल्यू उसकी सेम है। एक्चुअल में आप शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पर तीन वेव्स एक्ट कर रही हैं, वाई आई वाई आर वाई टी, तो इट शुड बी सुपर पोजिशन ऑफ वाई आई वाई टी एंड वाई आर। कायदे से ऐसा होना चाहिए ना कि तीनों को ऐड कर दो, जो भी पार्टिकल की डिस्टर्बेंस होगी अपने आप आ जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है इंसिडेंट आई, इंसिडेंट की वजह से पार्टिकल मूव करा, जब पार्टिकल मूव करता है तो क्या हुआ वो जो डिस्टर्बेंस है वो दो वेव्स प्रोपगेट कर रही है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है ना? मतलब आप ऐसे अज्यूम करो, ऐसे एक डिस्टर्बेंस आ रही है वाई ऑफ आई, डिस्टर्बेंस पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, इंटरफेस की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस अगले मीडियम में चली गई, कुछ डिस्टर्बेंस पीछे चली गई, ठीक। अब जो पार्टिकल पिछले मीडियम में मीडियम वन में है वो वाई आई की वजह से तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, साथ में उनके ऊपर वाई आर का कॉम्बिनेशन भी है, वाई टी का तो कॉम्बिनेशन नहीं। मान लो वो पार्टिकल ले लो, वो पार्टिकल ले लो, उसके ऊपर वाई टी तो कुछ नहीं एक्ट कर रहा ना, तो मान लो कोई भी एक रैंडम पार्टिकल ले लो, जब एक्स की वैल्यू कुछ भी लेनी है ले लो कोई बात नहीं, तो उन पार्टिकल में वाई टी का तो कोई रोल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आई एंड वाई आर है। मैं अगर यहां पर हूं तो यहां पर वाई टी की वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी, कहने का मतलब बाउंड्री को अगर तुम छोड़ दो ना तो बाउंड्री के इस तरफ सिर्फ वाई टी है, बाउंड्री के लेफ्ट की तरफ वाई आई एंड वाई आर है कॉम्बिनेशन, लेकिन बाउंड्री के ऊपर मैं भी हूं, बाउंड्री के ऊपर आप भी हो, ठीक। आप चाहते हो आपका अफेक्ट हुआ जिसकी वजह से मैं भी जनरेट हुआ, अगर आप ना होते ना तो मैं भी जनरेट ना होता, बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब आप दोनों का कॉम्बिनेशन एक वेव जनरेट कर रहा है, ठीक, और जिसकी वजह से मेरी जनरेशन भी है। तो मैं कुछ वाई जनरेट कर रहा हूं, आप भी कुछ वाई जनरेट कर रहे हो, और हम इस चीज को ऐसे देखते हैं कि मीडियम वन अलग तरीके से, मीडियम टू अलग तरीके से, दोनों के तरीके से वाई की कुछ वैल्यू आनी चाहिए जो एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए कॉम्बिनेशन में, सेम, सिर्फ बाउंड्री पार्टिकल के लिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो वाई टी अलग काम कर रहे हैं और वाई आर और वाई आई डिफरेंट काम कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, ए कॉमन आ गया साइन की डिफ्रेंसिएशन, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये सारे के सारे कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड इन दी एंड चेक करना आंसर क्या आ रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करके, कुछ ऐसा आ रहा है ए माइनस वाई आई को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन का कॉस, नहीं आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसका आंसर इस तरीके से आएगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक्स नहीं लिया, मुझे एक्स लेना चाहिए था, मैं एक बार ना इसको फिर से लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी डिफ्रेंसिएशन जो कर रहा हूं ना वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, एक्स कर रहा हूं, तो मैं अगर एक्स को ही जीरो पुट कर दूंगा फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा, तो मेरे को एक्स को साथ लेना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आई की जगह फुल इक्वेशन लिखो, कितनी ए साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के वन ही था ना अभी, हाँ के वन एक्स, लेकिन राइट साइड पे ट्रांसमिटेड है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहां प्लस आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, ठीक है, ठीक है ना? जैसे जैसे जो हमने शुरू में इक्वेशन ली थी मैंने एज इट इज यहां पर पुट कर दिया। तो जब मैंने इसको यहां पर पुट किया और मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा ए इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस
k1x into dy dt dy dx of angle कितना है omega t minus k1x. मैं सिर्फ इसकी differentiation करूं पहले, समझ आ रहा है ना, इसको अगर differentiate करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाद अगर मैं इसे differentiate करूंगा तो a into cos of omega t minus k1x तो आएगा ही आएगा, into dy dx of omega t is 0 because differentiation with respect to x है तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ क्या बच जाएगा minus k1, क्योंकि dx by dx की value भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना, k1 constant निकाल के dx by dx should be equal to 1. आपको ये किसी स्कूल में प्रूफ नहीं आएगा, आपको कोई प्रूफ करना नहीं है, सिर्फ एक इन द एंड जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपको कुछ नहीं करना, बस एंड का रिजल्ट आपने याद करके जाना है, और आपको कुछ दो साल के बाद तक क्या कभी भी इसको देखने की जरूरत नहीं कैसा क्यों हुआ, ये चीज क्लियर है. तो ये आपको जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आंसर आया, माइनस ए, मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ प्लीज, माइनस ए के वन माइनस देखो माइनस ए के वन कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस, जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो साइन का तो कॉस आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर प्लस के वन है तो आंसर आएगा ए ए ऑफ क्या लिखा है यहां पे, ए ऑफ आर लिखना चाहिए ना मेरे को, और यहां पर क्या लिखना चाहिए, साइन ऑफ ए ऑफ टी भी लिखना चाहिए, ए टी भी लिख लो कोई बात नहीं, ए आर इंटू के इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के वन एक्स, मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट आया, और लास्ट में इसकी जगह, क्योंकि ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और लास्ट में जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इसकी जगह लिख रहा हूं, इसकी जगह मेरे पास आंसर आएगा माइनस ए टी के टू और कॉस ऑफ जो भी है ओमेगा टी माइनस के टू, वैसे एज इट इज लिख दिया, समझ आ रहे हैं यहां तक, लेट से आपने डिफरेंशिएट कर दिया, समझ आ रहा है, ठीक, तो मान लो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं सीधी सीधी की इक्वेशन लिख रहा हूं आपको, माइनस डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आएगा माइनस ए के वन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के वन एक्स प्लस ए के टू कॉस ओमेगा टी प्लस के टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ टी की आर है at k cos omega t minus k2, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आ गई, पर हम इक्वेशन हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, बाउंड्री पार्टिकल ले रहे हैं, और बाउंड्री पार्टिकल के लिए मैं x को क्या पुट कर सकता हूं, 0 0 एंड 0, और सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास, ये k2 आएगा तो, और ये के वन आएगा, ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ रही है ए माइनस ए ऑफ आर, ए माइनस ए ऑफ आर इज इक्वल टू ए ऑफ टी इंटू के टू डिवाइडेड बाई के वन. ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, यहां से के वन को क्या निकाल सकते हो, कॉमन कॉस ओमेगा टी, तो तीनों साइड से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कैंसल 111 ना, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई फाइनली, ये चीज क्लियर है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, कॉस वाला सब कैंसल, आपके पास यहां से क्या वैल्यू बच गई, यहां से वैल्यू माइनस ए के वन बच गई, यहां से ए आर इंटू के वन बच गई, और यहां से ए टी माइनस ए ऑफ टी इंटू के टू बच गई, ठीक, और यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैंसल, क्या यही इक्वेशन आ गई, चेक कर लो प्लीज फिर से, ठीक है, एक इक्वेशन थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने ए आर की, ए की और ए टी की, दूसरी इक्वेशन हमने ये निकाल दी ए की ए आर की ए टी की, पहली इक्वेशन में के वन के टू नहीं था, इस इक्वेशन में के वन और के टू भी है, बात समझ में आ रही है, पहली इक्वेशन भी हमने निकाली, दूसरी इक्वेशन भी हमने निकाली, तो अगर आप इन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे
तो इन दी एंड आपके पास आंसर जो आएगा वो आप लिख सकते हो, इन दी एंड आंसर आएगा ए ऑफ टी इज टू के वन के वन के टू इन टू ए। जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आप ए ऑफ आर को इलिमिनेट कर दो, क्योंकि देखो ना दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन में ए आर है ए टी है ए है, ए आर है ए टी है ए है, दोनों इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको ए आर को इलिमिनेट करना है, ए टी निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ ए, और फिर से अगर सॉल्व करोगे उन इक्वेशंस को तो ए आर की वैल्यू भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, कैलकुलेशन किसी चेक नहीं करना, बस वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर सॉल्व करें तो मान लो ये आंसर आ गया, और अगर मैं के वन की जगह वैल्यू पुट करूं टू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई वी वन, ओमेगा डिवाइडेड बाय वी वन, ओमेगा डिवाइडेड बाय वी टू इन टू ए, तो ए ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे वो आएगी टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू इन टू ए। इसको बोलते हैं दिस इज अ कोफिशियंट विच इज नोन एज ट्रांसमिशन कोफिशियंट। याद है मैंने बताया था कि ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी की वैल्यू आपने अभी बताई थी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, ए ऑफ छोटा टी। मैंने शुरू में लिख दिया था ना कि एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का क्या होगा, छोटा ए टी इंटू कैपिटल ए, और छोटा ए टी मैंने बताया था वेलोसिटीज पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इन सारी चीजों को सॉल्व करूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, उस कोफिशियंट की वैल्यू आ गई। याद है क्लियर है? तो ये मेरे पास कोफिशियंट आ गया। उसी तरीके से इफ यू कैलकुलेट कैपिटल ए आर, ए ऑफ आर सॉल्व करने पे ए आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी टू माइनस वी वन, वी वन प्लस वी टू इंटू कैपिटल ए। तो इसका मतलब ये जो टर्म आ गई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटा ए आर इंटू ए, तो स्मॉल ए आर का मतलब क्या हो गया, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस, ये क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। ए आर छोटा ए आर भी आ गया, छोटा ए टी भी आ गया। याद है मैंने बताया था मैं छोटा ए आर छोटे ए टी की वैल्यू बताऊंगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है इसे हुआ क्या, फिर क्या, ठीक है मान लिया ये वैल्यूज आ गई। अब फाइनली अब ध्यान से देखना इसमें क्या करने वाले हैं, टॉपिक है अब फेज चेंज का, फेज चेंज। देखो छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल में AT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली जो कि 2V2 V1 प्लस V2 आ गई, और A ऑफ R की वैल्यू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 आ गई। इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि कोई मीडियम है और उस मीडियम में आप कुछ भी कर लो, मीडियम कोई भी हो, इस टर्म को तो पॉजिटिव आना ही आना है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये टर्म नेगेटिव हो भी सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि V1 और V2 की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है? तक अब दो मिनट के लिए एज्यूम करो कि हम दो केस बना के चलेंगे, ये क्लियर है? तो आपने इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, AT इज ऑलवेज पॉजिटिव, AR का मुझे मालूम नहीं, AT का मतलब समझते हो, AT का मतलब है कि जब वेव जो ट्रांसमिट कर गई मीडियम 2 में उसका एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रेस्ट ट्रेवल कर रहा है ना तो दूसरे मीडियम में ट्रफ नहीं बन सकता, जब वेव ट्रांसमिट होगी तो इसका मतलब उसका क्रेस्ट ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ट्रफ कब बनता है, जब वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। वाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्रेस्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रफ। मैं करके दिखाता हूँ। सपोज पहला एग्जाम्पल है इफ V2 इज लेस देन V1, मान लो ऐसा कर लेते हैं V2 लेस देन V1, पहले मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 2, उल्टा होता है ना डेंसिटी और वेलोसिटी का रिलेशन। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि जो फर्स्ट मीडियम है, जो मीडियम नंबर 1 है वो डेंसर है, और मीडियम नंबर 2 क्या है, रेयरर है। ये चीज क्लियर है? ये रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है ना? तो अगर रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, इसका मतलब V1 इज लेस देन V2। तो एक
एग्जांपल ठीक लिखा ना मैंने, उल्टा लिख दिया। तो वी टू लेस देन वी वन है, इसका मतलब रो वन इज ग्रेटर देन रो टू है, तो रो वन ग्रेटर देन वी टू की जगह ऐसे करने, ठीक है। मतलब कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी उसकी कम है, तो उल्टा यहां पे उल्टा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये लो, तो इसमें रो वन इसमें क्या हो गया, रेरर हो गया, और ये इसमें क्या हो गया, डेंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। देखो इन एनी केस कुछ भी हो जाए, रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, ए टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए टी का एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक। तो मैं अब एक काम करता हूं, मैं डिस्कस करता हूं ए आर की वैल्यू। ए आर का मतलब समझते हो, ए आर का मतलब है ये वाला, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव, वापस टक्कर खा के आने वाली वेव का क्या हुआ। ए आर की वैल्यू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, और क्योंकि मैं केस ले रहा हूं वी टू इज लेस देन वी वन, तो इसका मतलब ए आर की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है ना यहां तक। और अगर ए आर नेगेटिव है, मुझे एक चीज बताओगे, जो ट्रांस जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन क्या थी, वाई आर इज कैपिटल ए आर, साइन ऑफ कितनी थी, ओमेगा टी प्लस ए वन एक्स, ठीक। कोई डाउट किसी को इसमें, यही इक्वेशन लिखी थी ना वाई ऑफ आर की हमने, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए आर की वैल्यू आई मेरे पास, ए आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस छोटा ए आर इंटू कैपिटल ए इंटू साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी प्लस ए वन एक्स, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एक काम कर सकते हैं इसमें कि अगर हम इसको y ऑफ r इज इक्वल नेगेटिव साइन को एडजस्ट करें, इसको इनसाइड ले जाएं, मैथ्स का रूल है a ऑफ r इंटू ए इंटू साइन ऑफ क्या, ओमेगा t प्लस के वन एक्स प्लस पाई कर ले, पाई ऐड करने से जो साइन ऑफ साइन का फैक्टर है, पाई ऐड करने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, जो मैथ्स के लोग हैं वो समझते हैं, जो नॉन मेडिकल के हैं वो समझें। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू क्या, साइन का साइन रहेगा लेकिन पाई जब हटेगा तो आगे क्या जाएगा, इतना समझो, पाई लगाने से ये एक ही बात है, और अगर पाई लगाने से एक ही बात है, यानी कि देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई, मैंने प्रूव कर दिया देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई। फेज शिफ्ट ऑफ पाई का मतलब समझते हो, क्रेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रफ, छोड़ो सारी बातें, पाई को छोड़ो, ये इक्वेशन सबको क्लियर है यहां तक। नेगेटिव साइन आगे आ गया ना, माइनस साइन आगे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी, वाई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, इसका मतलब क्रेस्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रफ में, और ट्रफ किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रेस्ट। उल्टा केस ले लें, जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में क्या करना है हमने, वी टू ग्रेटर देन वी वन, अगर वी टू ग्रेटर देन वी वन इसका मतलब रो टू लेस देन रो वन, इसका मतलब ये रो वन है, ये रो टू है, ये अब रेरर हो गया, और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। वेव कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेरर। देखो इसमें तो आपने देखना ही नहीं, जो ए ऑफ टी होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको कोई चेंज नहीं होगा, क्रेस्ट क्रेस्ट में जाएगा, ट्रफ ट्रफ में जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ क्या देखना होता है, एटी के बारे में। अब एटी की जो वैल्यू आएगी इस केस में क्या आएगी, मैंने क्या लिया, इफ वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो एटी की ए आर ले लो, चलो ए ऑफ आर, तो ए आर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, पॉजिटिव। जो ए आर था, ए आर का फॉर्मूला क्या था, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, ठीक। और मैं केस ले रहा हूं व्हेन वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, इफ वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो ए आर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट में रहेगा, ट्रस्ट। अब एक काम कर लेना, वो जो पाइप का केस किया था ना, एक ओपन पाइप, बोथ हैंड ओपन, साउंड जाती है बाहर डेंसर मीडियम, अंदर रेरर मीडियम, पता लग गया उसका प्रूफ क्या है। अब घर जाके आराम से सोचना, अगर अंदर वाला रेरर था और बाहर वाला डेंसर था, यानी कि इसका उल्टा केस था जो अभी हमने डिस्कस किया, वो केस क्या
क्या था जो पहले डायग्राम बनाया था मैंने, ये वाला केस था। मान लो एक ओपन पाइप है, एक ओपन पाइप में साउंड जा रही है, बाहर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो गई, कुछ साउंड वापस आ गई, जो साउंड वापस आ गई क्रेस्ट विल बी कन्वर्टेड इन टू ट्रफ, पहले वाला केस। बात समझ में आ रही है? अब प्रूफ मिल गया और मेरी मजबूरी समझ सकते हो, उस दिन मैं कैसे नहीं बता पाया कि क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट होती है, ट्रफ क्रेस्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, शॉर्टकट था एकदम, इसको उलझा लेता ना